खरीदी को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। किसान धान बेचने के लिए किसान जो है वो सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। बारदाना की मांग को लेकर हुए चक्का जाम के दौरान लाठीचार्ज जो किसानों पर हुआ उसके विरोध जताते हुए आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और लाठीचार्ज के विरोध वो लगातार कर रहे हैं। धान खरीदी के समय को बढ़ाने की मांग भी की है और पार्टी कार्यकर्ताओं से उनके बातचीत की हमारे संवाददाता सत्य राजपूत ने। इस वक्त आम आदमी की पार्टी है और हम राजधानी रायपुर के कलेक्टर दफ्तर पे मौजूद हैं। यहाँ किसान के समर्थन में और अपनी मांगों के लेकर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं उनसे चर्चा करते हैं। किसान जो परेशान हो रहे हैं उन पे लाठीचार्ज हो रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सरासर अन्याय है। किसानों के दम पे ये कांग्रेस की सरकार बनी है और आज ये किसानों के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इसका जवाब दिया जाएगा। भूपेश सरकार इतने घमंड पे मत रहे कि ये सरकार किसान बना सकते हैं तो इसको उतार भी सकते हैं। ये बारदाना की अचानक कमी खरीदी केंद्रों में देखी जा रही है, ये नई खरीदने का बहाना है या वाकई में कमी दिखती है? ये नई खरीदने का बहाना है। देखिए, अभी अचानक बारिश हुई, बारिश होने के कारण किसानों का धान 15 दिन तक खरीदी नहीं किया गया। चलिए अब देखते हैं सुरक्षा तड़का में क्या है खास।